हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम बात करने वाले हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। इसे हम डीटी परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी आप पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में, जैसे कि कूलम्स लॉ कहता है, कूलम्स लॉ हमें किसी एक फोर्स के बारे में बताते हैं, किन्हीं दो जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में फोर्स कितना होगा, तो वो कितना होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। अब परमिटिविटी जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम एयर, जो एयर की परमिटिविटी होती है उसको उससे डिनोट करते हैं। पर लेकिन मान लीजिए अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया, हम वाटर ले आए, हम ऑयल ले आए या कोई और मीडियम ले आए, लाइट कुछ कुछ जैसे कि लाइट किसी भी मीडियम में जाके अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है, उसी तरह से कोई भी फोर्स होगी उसका जो मीडियम होगा उस मीडियम में डिपेंड करता है कि मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि वाटर की जो परमिटिविटी होती है वो 80 होती है, क्या करेगा ये फोर्स को 80 टाइम्स कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है देख लीजिए आप नीचे की तरफ है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या करेगा कम, जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ज़्यादा फोर्स कम हो जाएगी। तो वाटर का 80 हो जाए तो 1/80 जो है फोर्स कम हो जाती है। तो इसी तरह हम डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकालते हैं। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का क्या काम होता है कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये डिपेंड करता है कि जो फोर्स होगा वो कितना कम होगा। अब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स हो सकती है वो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम क्या होता है, आपने देख जो अर्थ के बाहर हमारे पास जो स्पेस है उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, जबकि वो भी पूरी तरह वैक्यूम नहीं होता है, पर फिर भी हम उसको वैक्यूम मानते हैं। उसके अंदर साउंड भी ट्रैवल नहीं कर सकते जैसे कि आप सब जानते हैं। तो अगर आपने वाटर ले लिया तो वाटर की एक डिफरेंट जो परमिटिविटी होती है वो होगी। तो यहाँ पे जो है वो एयर की है, यानी वैक्यूम भी मान सकते हैं या एयर ही मान सकते हैं, अर्थ पे हम वैक्यूम को ही एयर मानते हैं। अब मान लीजिए हमने मीडियम चेंज कर दिया, कोई और मीडियम लिया, तो जो फोर्स होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमने एप्सिलॉन यहाँ पे सिर्फ हम एप्सिलॉन लगाएंगे और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये एक एयर की थी, ये किसकी है, मीडियम की है। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब क्या है, दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आएगी वैल्यू वो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है, ये क्या होता है, इसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि अगर आपको वैल्यू दे दी जाए किसी भी तीन टर्म्स की तो आप चौथी टर्म को निकाल पाएंगे। वो कैसे निकालेंगे कि जैसे कि, और इसको हम K से भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, इसलिए हम K से भी बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे कि नाम है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, इसलिए हम इसको K से डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये अगर हम किसी भी दो चार्जेस के बीच में इसको रख दें तो अगर हम इसकी वैल्यू पता है, मान लीजिए हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 40 है, तो हमें कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि जो दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो 40 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इसलिए हम रिलेटिव परमिटिविटी के जरिए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं ताकि हम जान सकें कितनी फोर्स कम होगी। एग्जांपल के लिए वैक्यूम में जैसे कि जो वैक्यूम का जो होता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 1 होता है और एयर का जो होता है वो लगभग 1.0054 होता है। ठीक है, 00054 होता है, तो काफ़ी लीस्ट होता है, तो इसलिए हम इसको वैक्यूम के इक्वली मान लेते हैं, जबकि इक्वल नहीं होता है, फिर भी इसको मान लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों के बीच। वाटर का जैसे कि मान को पता है 80 होता है, तो इससे मैं कर सकते हैं हम किसी भी, अगर मान लीजिए हमें पास एफ हमारे पास मीडियम दे रखी है, तो हम करेंगे एफ वैक्यूम डिवाइड बाई के कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास डायरेक्ट कॉन्स्टेंट की वैल्यू और हमें पता है कि जो वैक्यूम में फोर्स है वो इतनी है, तो हम मीडियम में कितनी फोर्स होगी उसको निकाल सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम जो है किसी भी मीडियम की कितनी फोर्स होगी उसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में या फिर डायरेक्ट कॉन्स्टेंट के बारे में समझ आया हो। कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम जो बाकी कंसेप्ट है वो अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।